एवरीवन, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं बनाऊंगी आलू का हलवा। आलू का हलवा सुन के शॉक्ड हो गए ना, आलू का सीरा। एक्चुअली हम लोग मारवाड़ी है तो हम लोग हलवा को सीरा कहते हैं, तो आप लोग हलवा बोलते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद कुछ लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सुने होंगे कि आलू का भी हलवा बनता है। सूजी का हलवा तो सुना होगा, लेकिन आलू का हलवा फर्स्ट टाइम सुना होगा किसी किसी ने। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। तो जल्दी चलते हैं और आलू का हलवा बनाते हैं, और मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। काफी टेस्टी लगता है और मेरा फेवरेट है। तो चलिए जल्दी जाकर बना लेते हैं आलू का हलवा। को तीन आलू को ऐसे अपन को कट कर देना है और इसमें पानी भर देना है। मैं ज़्यादा नहीं बना रही हूँ तो देखो, ताकि ये आलू जो है वो बॉयल हो जाए। अब मम्मी से चढ़ा देगी गैस पे। तो गाइज, ये कुकर लगा दिया है मम्मी ने आग, इसमें और कुकर चढ़ा दिया है, और 7 सीटी आएगा, मतलब 7 सीटी आने के बाद इसे उतारना है। तब ये जो 3 आलू है वो बॉयल हो चुका होगा, लेकिन 7 सीटी के बाद हमें ये पता चलेगा। तो मम्मी ने बोला खड़े होके ध्यान रखना, जब 7 सीटी हो जाएगा तो गैस को बंद कर देना। तो मैं बस यहाँ खड़ी होके वेट करूँगी। तो गाइज, फाइनली 7 सीटी आ गया है, बता देना क्योंकि ये बॉयल हो चुका है। आप इसे उतारेंगे। 7 सीटी हो गया है, तो अब मैं इसे बंद कर देती हूँ, क्योंकि मैंने बोला 7 सीटी ही बस चाहिए। तो ये बंद कर दिया है क्योंकि आलू तो बॉयल हो गया है। तो गाइज, ये है हमारा देसी घी जो मम्मी घर पे बनाती है मलाई से। तो दूध का मलाई निकालती है, उसके बाद मलाई से घी बनाती है। तो अगर आपको इसका भी रेसिपी जानना है तो मैं मम्मी को बोल दूंगी, वो आपको बता देंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए देखते हैं हमारा आलू जो है। तो आलू जो है वो बॉयल हो गया, तो उसे निकालना पड़ेगा। तो 2 मिनट सीझने देते हैं, उसके बाद हम निकाल देंगे इसको। Skies and countryside, it all comes flooding back to me in watercolor when we had each other caught up in the memory. आलू तो बॉईल हो गया है। अब मम्मी इस आलू को छील दे रही है, देखो ऐसे छील के हमें डालना है। ये 3 आलू है जिसको मम्मी ने पीस पीस में कट करके उबाल दिया था। 7 सीटी के बाद ये निकाले है, तो बॉईल हो गया है। अब इसे मम्मी छील के इसमें डाल रही है। मैं टच नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए मम्मी बोली कि हम ही इसको छील के इसमें रख दे रहे, उसके बाद तुम बना लेना, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। तो मम्मी इसे छील के इसमें डाल दो, फिर आप मुझे दे देना, मैं आप बताते रहना कैसे करना, मैं करती रहूंगी, ठीक है। तो गाइज, ये आलू को देखो मम्मी ने पूरा छील दिया है। अब इसको ग्लास लेना और ग्लास से इसको ऐसे पीस देना है। गाइज देखो, मम्मी ने ना आलू को अच्छे तरीके से मैश कर दिया है, और मैश करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, देखो पूरा चूरा चूरा हो गया है। अब क्या करती हूँ आगे आपको, चलिए बताती हूँ। जब आपको कढ़ाई चढ़ा देना है और उसके बाद घी डालना है। ये देखो घी मम्मी डाली है, वो भी देसी घी जो मम्मी बनाई थी मलाई से, मैंने आपको बताया। तो और डलेगा ना मम्मी, घी ऐड किया है मम्मी ने, ये वाला जो मम्मी ने बनाया था देसी घी वाला। Violet skies and countryside, it all comes flooding back to me in watercolor when we had each other caught up in the mist. सो गाइस, फिर मम्मी ने आधा कटोरी चीनी डाल दिया। आप लोग अपने हिसाब से चीनी डाल देना, क्योंकि मुझे चीनी का अंदाज़ा पता नहीं है, लेकिन मम्मी ने डाला तो सही डाला होगा। देखो चीनी डाल के इसे हमें हिलाते रहना है, मतलब जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता ना, तब तक इसको हिलाते रहना है। इसी में आपकी हाथ दर्द हो जाएगी, मेरी तो हाथ दर्द करने लग गई थी। तो देखो इसे हिलाते रहना, तभी जाके ब्राउन होगा, तब जाकर आपका बनेगा आलू का सीरा, यानी कि आलू का हलवा। तो देखो इसे हिलाते रहना। देखो मैं यही कर ही जा रही थी कब से, मेरा तो हाथ ही दर्द करने लग गया था। फिर भी एक होता है ना जोश व्लॉग बनाने का, वो जोश आ जाता है जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ ना। तो अगर मन भी नहीं करता ना बनाने का, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं यार, आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होगे, आप लोग मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होगे, तो ये सोच के मैं फिर एक मोटिवेशन आता है अंदर में, और फिर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो इसे देखो इस तरीके से आपको हिलाते रहना है, ठीक है। गाइज इसे देखो, मैं राउंड एंड राउंड है, मतलब एक गेम ही समझ ली थी कि इसे राउंड करती रहूँगी तो कम से कम मज़ा भी आएगा और हाथ दर्द भी करेगा तो समझ नहीं आएगा। लेकिन सच बता रही हूँ, हाथ दर्द करने लग जाएगा तो आप लोग अपनी मॉम का हेल्प ले लेना, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, ठीक है। तो गाइज, मम्मी कितना अच्छे से इसे रोटेट कर रही है, आप देख रहे हो। मतलब मम्मी लोगों को तो हैबिट होता है, उनको इतना अच्छे तरीके से सब कुछ पता रहता है कि क्या ही बताऊँ, कितना अच्छे तरीके से कर पा रही है। मैं तो कर ही नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा था बस एक ही आलू रहता है, आधा आलू रहता तो मैं अच्छे से कर पाती, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहा था। तो मम्मी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको सेका है, देखो पूरा आलू सिका गया होगा, आई थिंक सो।
तो गाइज मम्मी आलू का सीरा को सेक रही है, मैं तो दो बार सेकी और मेरा हाथ दर्द करने लग गया, क्योंकि जब तक ब्राउन नहीं होगा तब तक हमें इसे सेकना होगा, मतलब कंटिन्यूअस ऐसे ऐसे करके हिलाना पड़ेगा और चिपके ना, इसलिए हमें हिलाते रहना होगा ताकि अच्छे से सिक जाए। तो आप लोग भी अपनी मम्मी का हेल्प ले लेना। तो गाइज इसका कलर देख रहे हो कितना प्यारा सा आ गया, मतलब ब्राउन हो गया है, मतलब सीरा बन रहा है और ब्राउन होते ये बन जाएगा। तो मम्मी बन गया क्या? गाइज हमारा सीरा रेडी हो चुका है क्योंकि ये ब्राउन कलर आ चुका है। जैसे ही ब्राउन कलर आएगा तो आप समझ जाना कि ये बन चुका है। तो मैंने थोड़ा टेस्ट के लिए लिया था चीनी टेस्ट करने के लिए, तो आप लोग भी चीनी का टेस्ट कर लेना, उसी हिसाब से चीनी अगर एक्स्ट्रा लगे तो डाल भी लेना। तो मम्मी अब आप इस प्लेट में मेरे को दे दो, हम खाएंगे। तो गाइज अब मैं इसे खाऊंगी क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही टेस्टी सा लग रहा है। ये देखो कुछ भी मीठा बनाने से पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, मतलब हम कुछ भी बनाते हैं ना, क्योंकि हम तो वेज है आपको पता है, तो नॉन वेज तो नहीं बनाते हैं, तो हम लोग भगवान को है ना भोग लगा देते हैं, तो भगवान को भी शायद पसंद आया हो। तो गाइज अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी कि सीरा कैसा बना है, ठीक है? क्योंकि भगवान को तो भोग लग गया, मेरे भोग की बारी है। गाइज इतना फैंटास्टिक टेस्ट है ना, प्लीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग एक बार बनाकर देखना अपने घर में। इजी रेसिपी है, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको घी चाहिए, आलू चाहिए और चीनी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्लीज आप लोग रिक्वेस्ट है, एक बार ट्राई जरूर करना क्योंकि काफी टेस्टी हलवा बना है। आई मुझे ना मेरा फेवरेट हलवा है आलू का सीरा, पता है? तो आप लोग भी ट्राई करना, ठीक है? रेसिपी तो मैंने बता दिया है, काफी ईजी है, तो प्लीज ट्राई करना। और अगर आपको ये रेसिपी वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जिनको नहीं पता है कि आलू का भी हलवा बनता है वो लोग भी बनाकर खा सके, ठीक है? लव यू ऑल, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।